से भरी हुई बेल से 28 अगस्त की जो सेटी नहीं भाई काय की क्लास थी हमारी आज लाइट सेक्शन की किसके साथ थी सर के साथ कैसी लगी क्लास आपको लाइट सेक्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया यस सर बिल्कुल दिमाग में बैठा है वो यस सर बताइए किसने किसने कैसे कैसे उसको फाइंड आउट करा बताइए आप सर मैंने क्या सर जो आपने क्लास में देव सर के साथ पढ़ा उसको यहाँ ट्रेस किया कि नहीं किया आपने यस सर ट्रेस करके क्या किया आपने डायग्राम बनाया यस सर बताइए आपने अपने डायग्राम नाम के साथ बताइए आपका नाम बताइए डायग्राम बताइए कुलरेश खान राजीव सिंह मोहन संजीत कुमार सर सलमान खान सर नरेंद्र सिंह सर जितेंद्र सर समीन सर बापिर सर गजाना थोड़ा स्टेबल रखो अशरफ अली सर्किट वन सर्किट टू निशान सर बादल इस साइड आइए अभिषेक अगर हमारे पास बल लाइट वाला सेट आता है तो हम कितने वोल्टेज चेक करेंगे इसमें चार कितनी सप्लाई चेक करेंगे दो सप्लाई में खेल हो जाएगा हमारा यस सर डन हो जाएगा यस सर ओके थैंक यू वेरी मच देख रहे हैं इसे टेलीकॉम की लैब और ये हमारा लाइट का डे है डे 8 जिसमें हमारा ये जो क्लास है ये इवनिंग का क्लास है जिसमें स्टूडेंट को पूरा जब हम थ्योरी और सर्किट लेवल पे पूरा हम बता देते हैं और उनको सारी चीज़ प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि और उनके मोबाइल रिपेयरिंग होते हैं जिसमें वो खुद बनाते हैं अपने मोबाइल और उसके बाद जाकर वो हम उनको ट्रेसिंग के लिए ये लैब में भेजते हैं और वो लैब में हर मोबाइल को ट्रेस करते हैं हर सर्किट को ट्रेस करते हैं जो सर्किट हम उनको दिन में सिखाते हैं जो थ्योरी वाइज और वो सर्किट उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं हर एक की कॉपी में वो सर्किट उतरा हुआ है और वो फ़ोन में वो सर्किट को ट्रेस करते हैं और यही फॉल्ट फाइंडिंग होती है कि कैसे डिस्प्ले कनेक्टर से पूरा आईसी तक ट्रेस करना उसके जीआर उसके वोल्टेज और पूरा ट्रेस करके यहाँ पे हर तरह की आईसी वो बॉल आईसी हो लैग आईसी हो या फिर उसके ईएन सिग्नल हो या किसी भी प्रकार के अगर एक्टिव वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज हो या आउटपुट वोल्टेज हो कि वो निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं तो बेसिकली आईसी चेंज करना और उसके बाद फिर आईसी रिवॉल्व करना तो सारी चीज़ें हैं उनको उसी दिन में हम सिखाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम इनको दूसरे और तीसरे दिन में ही 4G CPU हमने करवा चुके हैं और ये छोटी छोटी जो आईसियाँ होती हैं लाइट आईसी इसकी जो नॉलेज है ये सेक्शन वाइज में मिलती है जहाँ स्टूडेंट खुद अपने हिसाब से सर्किट बनाता है फाइंड करता है और उसको ड्रॉ करता है और मैच और जो हम उनको सिखाते हैं उसके हिसाब से ही वो काम करता है और डायग्राम खोलता है डायग्राम के साथ में उसको ट्रेस करता है और जो भी उसको लगता है कि जो उसको समझ में नहीं आया जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने पावर आईसी से किया है जैसे जो उनको लगता है कि उनको समझ में नहीं आया है तो वो बिल्कुल उस चीज़ को वो अपने जो डाउट है वो उसी दिन क्लियर करते हैं तो हर सर्किट की जानकारी उनको मिलती है जो नए नए लेटेस्ट सर्किट आ रहे हैं पावर आई पी एम आई पी एम एल और अगर ओप्पो या वीवो की बात करूँ वीवो में जो लैग लाइट आईसी होती है ओप्पो में जो बॉल आईसी होती है और जो लाइट और जो डिस्प्ले का कॉम्बो होता है वो सब तरह के आईसीओ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है और जब स्टूडेंट ये देखिए डायग्राम में भी वो सारी चीज़ें उसको ढूंढते हैं देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी इस टेलीकॉम में जहाँ सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ बिल्कुल ऐसा भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी किसी भी दिन कोई सा भी टॉपिक उठा दिया सुबह कुछ और करवा रहे हैं शाम को कुछ और करा रहे हैं दोपहर में कुछ और करा रहे हैं सो इससे स्टूडेंट भ्रमित होता है और स्टूडेंट के दिमाग में कुछ आता नहीं है आप सुबह सॉफ्टवेयर कर रहे हैं शाम को हार्डवेयर कर रहे हैं तो दोस्तों ये ना सीखने का तरीका बिल्कुल भी नहीं होता है आप इस टेलीकॉम ज्वाइन करें और अपना अच्छा भविष्य बनाएं क्योंकि यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट आगे जाके बहुत अच्छे टेक्नीशियन बनते हैं और बहुत कुछ लोगों ने यहाँ से जाकर बाकायदा पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ही खोला है आप देखिए कि इस स्टूडेंट ने कितने अच्छे लेवल पे सर्किट को पूरा डिज़ाइन किया हुआ है पीसीबी डिज़ाइन की है और ये बिल्कुल उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि कंपोनेंट किधर होते हैं कहाँ होते हैं जितना ये लोग मेहनत करेंगे दोस्तों उतना ही ये लोग आगे जाएंगे
सो आप देखते रहिए सर टेलीकॉम, और अभी आपको देखने को मिलेगी हमारी थ्योरी लैब और उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल लैब जिसमें हमने पूछा है कि क्या ये काम कर रहे हैं। पहले हमें पता रखना है यहाँ पर वापस हुई टैग डिटेल, सबसे पहले कौन सा बताइए, इंपोर्ट, दूसरा कौन सा जीएनडी, तीसरा कौन सा ईएन कमांड, चौथा कौन सा ईएन, पांचवा कौन सा आउटपुट, और छठवा कौन सा रेफरेंस, रेफरेंस की लाइन। सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं दिस एट डे अठवा, आठवा दिन, और यह लाइट का सेक्शन है। और अभी तक हमने इनको डी सर्किट वन सर्किट टू पढ़ाया है, और पढ़ा है पावर आईसी वाला सप्लाई, पीएमआई पीएमएल एमडी 6XP। मैं बात क्लास से पूछना चाहता हूं कि जो भी पढ़ा है इसको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किस किस को समझ में आया हाथ खड़े करके बताइए। देखिए लाइव क्लास इज ए टेलीकॉम, और अभी हम पढ़ रहे हैं डी एट। यहाँ पर हमारे पास एक सामने सेट भी है रेडमी 8A जो एक स्टूडेंट का है, और यहाँ पर लगी है डी एट। तो मजे लीजिए सर। अब बताइए सबसे पहले कौन सी लाइन डालू, इनपुट मतलब कौन सा लाइन होगा, बीपीएच तो बताइए ना, बी वहां पर बताओ वी इन कौन से उस पर लिखा हुआ है, बिक्री बिक्री, तो ये हो गया हमारा वी इन। यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, फोर वोल्ट, और ये वोल्ट किस तरह से आ रहे हैं, बीपीएच, और एक सीरीज में क्या लगा हो सकता है, रेजिस्टर या तो कॉइल, जीरो ओम का रेजिस्टर या तो कॉइल। ये बन गया पहला पैड, बताइए एक एक पैड बनाएंगे, एक एक पैड की सप्लाई को जानेंगे। ठीक है, बता लिया आप सबने। yes, देखो डायग्राम, देखिए डायग्राम में हम देखेंगे कि इस रेडमी 8A में देखो हम एक एक कंपोनेंट ढूंढेंगे रेडमी 8A का। यहाँ पर बताइए ये कौन सी लाइन आ रही है, और ये कौन सा रजिस्टर है, कितने ओम का, 18 12। तो यहाँ पे 18 12 हम देखेंगे कहाँ लगा हुआ है, 18 12। तो यहाँ पर 18 12 हम इसको कंट्रोल प्लस ऐड कर लेते हैं, ढूंढ लेंगे कोई नहीं, आर 18 12। और ये हम देखेंगे ये यहाँ लगा हुआ है ऊपर, और यहाँ पर हम देखिए कि ये जीरो ओम का रजिस्टर जो उसको बीपीएच लाइन दे रहा है, किसी ने इसको हटा के क्या मारा हुआ है, ऑलरेडी जम्पर मारा। देखो ये होता है इसके नॉलेज की, देखो टेक्निशियन ने काम किया है यहाँ, ये ऑलरेडी जम्पर पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो अगर तो ये आ रहा है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। ये लाइन हमारी क्लियर है, इस वोल्टेज को चेक करना है तो सिर्फ एक लाइन चेक करनी है, क्या लाइन चेक करनी है, कनेक्टर पर चार कनेक्ट एलईडी ए पर, अगर आपको कौन सी सप्लाई आ रही है बताइए, चार वोल्टेज, तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही है, सही है। अभी हम जोड़ेंगे एलईडी, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे को रजिस्टर में जम्पर मारा है किसी ने, चलो कोई बात नहीं, रजिस्टर है कॉइल है मार सकते हैं यहाँ पे जम्पर। आगे बढ़ते हैं, आगे इस सर्किट में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड, आज की हमारी जो क्लास हुई थी लाइट सेक्शन पे हुआ था, तो लाइट सेक्शन पे हमारे सारे स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि उनको वो जो मिल रहा है, उनको सेक्शन जो पढ़ाया गया है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, लाइट आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं। कौन सी लाइट आईसी है, पीएमएल है, पीएमएल लगी हुई है। आपको जानकारी है कि अगर पीएमएल पीएमआई है तो कौन सी हमें आईसी पे काम करना है, बिल्कुल सारा नॉलेज दिया गया है, पूरा नॉलेज, कितना वोल्टेज कहाँ पे आना चाहिए वो सारा चीज़ पता है जी सर, बिल्कुल। जो सर ने पढ़ा है वो एक्चुअली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। ट्रैक आपने चेक किया था इसका? हाँ सर, ट्रैक सब ओके है, ट्रैक ओके है। तो अगर ये आईसी पे अगर रिवॉल्व करके डालने से काम नहीं होता है तो क्या करना होगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। वेरी गुड, रिप्लेस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है जी सर। ओके, आप क्या कर रहे हो, फोर एस का प्रेसिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लगी हुई है, कौन सी आईसी है, लाइट आईसी में पीएमआई, पीएमआई लगी हुई है। हाँ। अगर पीएम पीएमआई की बात करें तो लाइट आईसी किस में होगा, पीएमआई में होगा, ये तो नहीं है ना कि पीएम में होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है। यस सर,
आप क्या कर रहे हो? सर MI फॉरेक्स का है। हाँ उसका इसमें बताइए लाइट सेक्शन कहाँ पे, किस IC पे जाएगी? PMI में जाएगी, पता है आपको? जी बिल्कुल। अगर 6 लेग की सर्किट हुआ और 6 लेग में भी 2 सर्किट होते हैं, ये सारा चीज़ आपको पता है? जी बिल्कुल पता है। फर्स्ट 6 लेग का होता है और 6 लेग में 2 होते हैं। हाँ उसका फर्स्ट होता है, 1 सेकंड होता है, और अगर उसके अलावा अगर नहीं होता तो। और अगर मान लीजिए PM और PML लगी है तो? PML में होगा, ये सारा चीज़ आपको पता है? बिल्कुल। भाई आप खुद ही काम कर रहे हो, अभी तक क्या काम किया इसमें आपने? सर ये ट्रेसिंग किया है अभी। हाँ और ट्रेसिंग अब हमने किया, लेकिन अब मैं इसको बोर्नियो से मैच कर रहा हूँ जो ट्रेसिंग में। अच्छा अच्छा, दिखाइए कहाँ पे किया आपने? ये बनाया आपने? चलिए हाँ, क्या कर रहे हैं आप? सर 5A की लाइट IC। 5A का लाइट IC, क्या कौन सा IC लगी बताइए, कौन सा सर्किट लगा हुआ है? ये सर यहाँ पे कौन सा सर्किट है बताइए? लाइट IC में क्या क्या चेक करना होता है? लाइट IC में कैपेसिटर, डायोड, बस्ट को, बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल तो यहाँ पे कौन सी 6 लेग में कौन सी सर्किट है? ये सर्किट 1 है कि सर्किट 2 है? सर्किट 1। अच्छे से देखिए क्या है, सर्किट 1 है कि 2 है? कोई बात नहीं, आज आपकी क्लास हुई है, सर्किट 2 है, पहचान कर लेते हैं सर्किट और 1 और 2 में। वो 6 लेग वाली सर्किट 2। सर्किट 2 और वोल्टेजेस कितने कहाँ कहाँ पे आएंगे थोड़ा सा ऐसा टच करके बताएंगे हमें एक बार? इनपुट और आउटपुट कहाँ से क्या क्या होगा थोड़ा सा हाईलाइट बता दीजिए। इनपुट होगा वहाँ पे? जी सर। ठीक है, आउटपुट बूस्ट वोल्टेज कितना बनाएगा, कितने से कितना? 7 मतलब बूस्ट वोल्ट। हाँ कितना बना सकता है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट से आपको 4 वोल्ट ही बनाएगा बूस्ट वोल्टेज? 4 से 10। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, आप भी थोड़ा मेहनत करिए उसमें और उसको देखिए, बुक निकालिए, देखिए बूस्ट वोल्टेज कितना बनता है। 17 20 17 वो प्लस, अच्छा हाँ प्लस 17 वोल्टेज बनता है। तो ये सारी चीज़ें आज पहले दिन की क्लास आपकी लाइट सेक्शन की आज क्लास है। शॉर्ट फोन है, डेड फोन, मतलब इसकी सही सप्लाई दिखाई नहीं रहा है। हाँ कोई बात नहीं, चलिए ट्रेस कर रहे हो बाकी आप? आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया हुआ है? लाइटिंग सेक्शन नोट 5। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका कौन सा PMI वाला सर्किट है, इसमें आपको ये डायोड और ये कॉइल मिला है? मिला सर, अभी जस्ट। और LED का यहाँ पे आपने ये चालू फोन है, मतलब आपने इसका वोल्टेज भी चेक किया क्या? सर वोल्टेज देखा आपने? बूस्ट वोल्टेज कितना बन रहा है? बूस्ट वोल्टेज 20। 20 बन रहा है इसमें, ये सारा चीज़ आपने चेक किया है? ओके आप क्या कर रहे हो? PMI वाला है सर। PMI वाला सर्किट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फोन है? Y1। ये देख सकते हैं PMI लगा हुआ है, 4 वोल्टेज जा रहा है, 4 वोल्टेज कॉइल में, उसके बाद वीपीएच लाइन वाली चल जा रही है SW। ओके फिर यहाँ पे कनेक्टर पे जा रही है, डायोड लगा हुआ है, ये 50 वोल्टेज वाला लगा हुआ है, 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। अगर ये नहीं काम करे, नहीं निकल जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है फ़ोन में? इसमें अगर कभी शॉर्टिंग हुआ तो फ़ोन हमारा क्या हो जाएगा, लाइन हमारी ट्रैक क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। और ये आप रजिस्टर, ये सारा चीज़ आपने चेक करके बनाया है? हाँ जी। इस फ़ोन में ये चेक करके बनाया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे चेक करके बनाया हुआ है। बूस्ट वोल्टेज, ये बताइए जो हमारा डायोड लगा होता है, डायोड के किस सिरे में बूस्ट वोल्टेज बनेगा, प्लस की माइनस में? प्लस वाले पे बनेगा, माइनस के सिरे में बनेगा, कहाँ पे बनेगा? जो हमारा अपने बूस्ट वोल्टेज कहाँ पे लगा, डायोड कहाँ पे लगा हुआ है, तो ये बताइए कौन सा सिरा है, माइनस सिरा है प्लस सिरा है? ये माइनस है, माइनस सिरा है सर, माइनस बनेगा। कोई बात नहीं है, आपका आज पहली क्लास से समझ में तो आ रही है ना सारी चीज़ें, तो ये देख सकते हैं इन्होंने माइनस के सिरा में बूस्ट वोल्टेज बनेगा, क्योंकि माइनस में इसलिए लगाया कि जब ये 50 वोल्ट बनेगा तो रिवर्स नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, अगर वापस आएगा तो सर्किट हमारा शॉर्ट होने का चांसेस रहता है। आप क्या कर रहे हो? नोट 4 का भाई, नोट 4 की सप्लाई बताइए किसमें गई है, PMI में गई है, किसमें गई है? PMI में गई है। तो इसमें आउटपुट में क्या क्या मिला आपको? आउटपुट में 4 वोल्ट मिला आपको यहाँ पे, और यहाँ पे अपने CABC की लाइन है हमारी, ये रजिस्टर मिला आपको? हाँ। ओके ये 1.8 हमारी LED कैथोड की है, सारा चीज़ चेक किया आपने? हाँ चेक किया है, बोर्ड में आपने चेक किया? हाँ। कंपोनेंट ये मिल रहे हैं आपको? हाँ मिल रहा है। बताइए क्या कर रहे हैं आप?
प्रेसिंग कर रहे हैं चालू फोन पे? यस सर। क्या क्या मिला बताइए, कहाँ पे क्या सर्किट है थोड़ा सा बताइए। ये देख सकते हैं लाइट ऐसी है, बूस्ट कॉइल है सर, जी आर वोल्टेज। वोल्टेज चेक किया था? जी किया था। कितना वोल्टेज आया था? 4 वोल्टेज आया था। ये सारा चीज़ आपने चेक करके बनाया है? चेक कर रहे हैं अब, इसी को आप फाइनल में ट्रेसिंग कर रहे हैं। कैसा समझ में आया क्लास आज की, जो पढ़ाया गया है वो मिल रहा था कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ओके, आप क्या कर रहे हो सर? ट्रेसिंग कर रहे हैं। कौन सा मॉडल है ये? रेडमी MI5 का बोर्ड है। क्या सर्किट है? PMI। लाइट आईसी कहाँ किसमें गई है? PMI में गई है। ओके, आप क्या कर रहे हैं? ये नोट 4 का आपने सर्किट बनाया हुआ है? हाँ, 5A का है सर। ये 5A का है। कौन सा ये 6 में कौन सा है? सर्किट 1 है कि सर्किट 2 है? सर्किट 2 है। पहचान जाएंगे अब? हाँ पहचान जाएंगे, क्योंकि इसमें तो आप पहचान, तो सर्किट से हम पहचान ही जाएंगे। अगर ये बोर्ड में लगा है तो आप पहचान जाएंगे? पहचान जाएंगे। ओके, आपने जो बनाया हुआ है कैपेसिटर ग्राउंड, फिर आपने बनाया हुआ है CPU, फिर आपने आउट किया है कैपेसिटर, फिर इसके बाद ये क्या बनाया आपने? बूस्ट कॉइल। ये बूस्ट कॉइल 4 और 6 से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। फिर ये डायोड, डायोड इस तरह क्यों लगा हुआ है? ये कौन सा सिरा होता है, प्लस का कि माइनस का? हाँ, ये कौन सा सिरा होता है? माइनस का सिरा होता है कि प्लस का होता है? माइनस होता है। ओके, सीरीज में लगा रहता है कि पैरेलल में लगा रहता है? सीरीज में लगा रहता है। फिर ये बूस्ट 50 वोल्ट का कैपेसिटर, फिर रजिस्टर, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर पे जा रहा है। ये सारा चीज़ आपने जो बनाया ट्रेस करके बनाया है? ओके, बहुत अच्छा। आप क्या कर रहे हो? ट्रेस कर रहे हैं। ट्रेस कर रहे हो। कौन सा मॉडल है? 5A। कहाँ पे बनाया है आपने 5A का सर्किट? वहाँ बना रहे हो आप, ये आप देख सकते हो 5A का सर्किट बनाया रहे उन्होंने। CPU और ये इसका कनेक्टर और ये इसका डायोड। ओके, समझ में तो आ रही है ना क्लास आपको? जी जी। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर मैं 6A बोर्ड था, 6A बोर्ड नहीं मिल रहा है। 6A की लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी तो है ही है, लेकिन यहाँ से उसका कंपोनेंट है। आप ट्रैक ट्रैक आ रहा है? ट्रैक चेक कर लिया आपने? सही है, यहाँ सही है। अच्छा, ट्रैक यहाँ तक सही है, ये चेक किया आपने? ओके, आप क्या कर रहे हो? ये आप बना रहे हो PMI, कौन सा फ़ोन है ये? MI6 है। अच्छा, इसको कर रहा है, पैक कर दिया उसने। जो पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है? जी। 4 वोल्ट कहाँ कहाँ मिलेगा वो सारा चीज़ आपको पता है? जी जी। ओके, आप क्या कर रहे हो? पहले बनाया फिर सुधार दिया। ये कौन सा सर्किट है? सर्किट 1 है। सर्किट 1। क्या कर रहे हैं आप? जिस 5A की लाइट ऐसी टेस्ट कर रहा हूँ। कौन सा सर्किट है ये? लाइट सर्किट 1, सर्किट 2, सर्किट 2 है। हाँ जी, पहचान में आ रही है? जी सर। ये आपने जो बनाया सारा चीज़ ये ट्रेस करके बनाया? हाँ जी सर। समझ में आ रही क्लास? बिल्कुल सर। लाइट सेक्शन में अगर बात करें तो वोल्टेजेस जो हमारे आते हैं, सारी चीज़ें, इनपुट आउटपुट, ये सारा चीज़ पता है आपको? हाँ सर। अगर हमारा PM और PML लगा हुआ है तो लाइट ऐसी किस में होगी, लाइट सेक्शन किस में होगा? PML या PM में किस में लगा होगा? L या PM, मेन PM में लगा होगा, PML में लगा होगा? PML में लगा होगा। ये सारा चीज़ पता है आपको? जी सर। बताया गया सारा चीज़ यहाँ पे? जी सर। कैसी समझ में आ रही देव सर की क्लास आपको? बिल्कुल अच्छी समझ में आ रही। जी सर। ओके, आप क्या कर रहे हो? MI Note 4। कौन सा सर्किट है? PMI सर्किट है। ये सारे कंपोनेंट आपने ट्रेस किया हुआ है? हाँ सर। ये कनेक्टर तक ट्रेस किया आपने? यस सर। ओके, आप क्या कर रहे हो? MI5A है, उसका लाइट आईसी का। लाइट आईसी कौन सी लाइट आईसी लगी हुई है? 6 लेग की। कौन सा सर्किट? सर्किट 2 है सर। सर्किट 2 लगा हुआ है सर। तो इसमें कहाँ पे कितने वोल्टेज आने चाहिए, बूस्ट वोल्टेज कब बनेगा, वो सारा चीज़ पता है आपको? सर, बिल्कुल। ओके, ये आपने बनाया हुआ है? यस सर।
ट्रेस करके बनाए कैसे, कहीं से उतार लिया है? ट्रेस करके बनाया हुआ है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, आप तो आपने तो पूरा बॉडी बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया इसका? ये सर। अच्छा, ये वाले दोनों बनाए आपने? शुरू से हम जो बनाए हैं, शुरू से मेरा है क्या सर? अच्छा, ये बताइए, समझ में तो आ रही क्लास आपको? जी जी बिल्कुल। चलिए अब आप समझाइए। MI5 पे लाइट IC, ओके, सर्किट 2, ओके, ये हो गया रेफरेंस लाइन सर। हाँ, एक नंबर पे। हाँ, दो नंबर पे NTC। हाँ, और एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। हाँ, तीन नंबर GND ग्राउंड हो गया सर। हाँ, और चार नंबर का VPS SW ये हो गया। उसके बाद EN 1.8 वोल्ट का ये हो गया, पाँच नंबर सर, और छः नंबर VPH का 4 वोल्ट हो गया। हाँ, और यहाँ सर एक क्वाइल लगा हुआ है, बूस्ट क्वाइल। अच्छा, बूस्ट क्वाइल जी सर। उसके बाद एक डायोड लगा हुआ है। ओके, और प्लस सिरा कैपेसिटर की ओर है, और जिस टाइम आउटपुट लेता है वो सर प्लस का सिरा, माइनस का सिरा है, जिसमें कि 17 वोल्ट बनता है। ओके, आपने सारे चीज़ ट्रेस किया है? जी सर, पूरा ट्रेस करके हम अपने से बनाए। आप क्या कर रहे हो? आपको PMI सर्किट है जी। अगर जो भी बोर्ड होगा उसमें जो भी सर्किट लगा रहेगा वो आप बता सकते हैं कि किसमें कौन सी IC लगी, लाइट सेक्शन कहाँ है, ग्राफिक्स कहाँ है? जी सर, सारा चीज़ बता पाओगे? बिल्कुल। तो ये आपका कौन सा फ़ोन है? ये MI 4X। जो कि PMI में है। PMI में जा रहा है सर्किट, सारा चीज़ आपने ट्रेस किया हुआ है? जी सर, ये पूरा सेक्शन हमने डाल दिया है। चलिए, तो ऐसे ही डेली आप लाइव हमारे देख सकते हैं। और भी आपको डेली स्टूडेंट का लाइव देखना है तो आप हमारे इसी पेज में जा करके, इसे टेलीकॉम के पेज में जा करके देख सकते हैं डेली का इनका आउटपुट का लाइव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डबल डेकर CPU की अभी आपकी जल्दी है, आज आपने क्या किया आज के दिन? आज डबल डेकर CPU कैसे डिबल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर। डुअल डेकर CPU आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका CPU और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर CPU किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर CPU कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर CPU सर, रैम और CPU उतार के दोबारा लगाया सर, सभी बच्चों ने CPU उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा, ड्यूल CPU। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।